अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर आज रहने वाले हैं। करनाल और हिसार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की यह पहली रैली होने जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। करनाल और हिसार में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस दौरान रैली में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर अब पूरी तरह से कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की हरियाणा में आज पहली रैली होने जा रही है। करनाल और हिसार में जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी के साथ रैली में मौजूद रहेंगे। दो रैलियों को राहुल गांधी आज संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट्स की अपील करते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आएंगे। दो जनसभाओं को राहुल गांधी की ओर से संबोधित किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस दौरान रैली में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो करनाल और हिसार में चुनाव प्रचार राहुल गांधी की ओर से किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में राहुल गांधी प्रचार करते नजर आएंगे और हरियाणा में राहुल गांधी की ये पहली रैली होने जा रही है। दो रैलियों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी के साथ रैली में मौजूद रहेंगे। हरियाणा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार अब कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और करनाल और हिसार में रैली करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी की रैली में उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट्स की अपील करेंगे। तो दो रैलियों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं, ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए अब राहुल गांधी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की आज दो जगह पर रैलियां होने जा रही हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, पूरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, राहुल गांधी हिसार जिले के जो सातों विधानसभा है वहां कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए हिसार जिले में पहुंच रहे हैं। और हिसार जिले के बिल्कुल सेंटर में बरवाला विधानसभा के कपास मंडी है, जो उस मंडी में ये कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर दो साइड में जो है तैयारियां की गई हैं, तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी जो है पुलिस लगातार वहां पर दौरे कर रही थी और बैरिकेटिंग वहां पर की गई है। इसके साथ ही साथ जो है राहुल गांधी 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं बरवाला से रामनिवास घोड़ेला, वो इस रैली के आयोजक हैं। राहुल गांधी के साथ साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, वो भी जो है मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो भी जो है इस रैली में जरूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो है कुमारी सैलजा, जिनको अपने ही घर क्षेत्र में हिसार में पहुंचना था लेकिन वो जो है इस रैली में शामिल नहीं होगी, ऐसी बात कही जा रही, क्योंकि जो ये प्रत्याशी है, जो बरवाला से प्रत्याशी है जिसके पक्ष में रैली की जा रही, जो रैली का आयोजक है, वो उनके गुट का नहीं है। तो इस तरीके के तमाम जो है बातें राजनीतिक गलियारों में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर आज रहने वाले हैं और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की